गुड मॉर्निंग क्लास, लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2, हेडिंग है इसका लॉस्ट स्प्रिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने पैराग्राफ 4 और 5 पढ़ा लिया था, आज पैराग्राफ 6 से स्टार्ट करते हैं। इट इज हिज कराम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैड वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स कैन ए गॉड गिवन लाइफ एज एवर बी ब्रोकन। She implied burn in the caste of Bengal's makers. They had seen nothing but Bengal's in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Is spirals of Bengals, sunny gold, pedigree green, royal blue, pink, purple, every color burn out of the 7 colors of the rainbow, lie in mouths in unkempt yards are filled on 4 wheeled handcart pushed by young men along the narrow lines of the shanty town, and in dark hutments nested to lines of flames of flickering oil lamps, seed boys and girls with their fathers and mothers wedding pieces of colored glass into circles of Bengals. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Savita, a young girl in a dark pink dress, sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically, like the tongs of a mechanic, I wonder if she knows the sanctity of the Bengal she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is dropped off with a red veil. Her hands dead red with henna and the red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old man beside her who became one many years ago. She still has bangles off her wrist, but no light in her eyes. Ek waqt sar bhar khana bhi nahi na khaya, she says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she had repaid her husband and the old man
with a flowing beard says, I know nothing except loving us. All I have done is make a house for the family to live in. तो ये इंग्लिश उच्चारण था। अब देख लीजिए वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्डों का मीनिंग। डेस्टिनी, डेस्टिनी अर्थात भाग्य होता है। लिनियज, लिनियज माने वंश या परंपरा। वंश परंपरा इम्प्लाइज अर्थ निकालती है, इम्प्लाइज मीन्स। और स्पाइरल जा, स्पाइरल जा मालाओं के रूप में चूड़ियों का गुच्छा। मौंडस ढेर, अनकेम्प्ट अस्त व्यस्त। पाइड, पाइड मीन्स भी ढेर होता है। हैंडकार्ट हाथ, गाड़िया। सेंटी झोपड़ियों वाला। फ्लिकरिंग टिमटिमाती हुई। ड्रेप, ड्रेप मिस होता है नीरस। सोल्डरिंग टाका लगाते हुए, टाका लगाते हुए सोल्डरिंग। सैंक्टिटी पवित्रता। आशुतोषनेस शुभत्व। ड्राफ्ट लिपटा हुआ। और इसका अनुवाद है, यह इसकी नियति है, नियति अर्थात भाग्य है। मुकेश की दादी बोलती है, क्या बोलती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से उड़ती धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। देखते क्या इस पर प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है, उसका निहित अर्थ होता है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। घर में, अहाते में, प्रत्येक दूसरे मकान में, प्रत्येक दूसरे अहाते में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियों के माला नुमा बंडल, चमकदार सुनहरे धान जैसे हरे नीले गुलाबी बैंगनी इंद्रधनुष के सात रंगों से जलने प्रत्येक रंग वाले बिना सवरे हाथों में बड़े बड़े ढेरों में पड़े होते हैं। चार पहाड़ पहियों वाली हाथ गाड़ियों में ढेर लगे होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों के इस शहर की सकरी गलियों में युवा लोग ढकेलते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते दीपकों की ज्वालाओं की पत्तियों के आगे लड़के लड़कियां अपने माता पिताओं के साथ बैठे होते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों को गलाकर आकृतियों में जोड़ते हुए उनकी आंखों का समायोजन बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे के साथ अधिक रहता है, इसलिए वे प्रायः अपनी आंखों की रोशनी वयस्क होने से पूर्व ही खो देते हैं। किस प्रकार से इसके राइटर एनिस जंग, कम है राइटर इस लेसन का, अनिस जंग जो है 1964 राउरकेला में जन्मी थी, तो किस प्रकार से इन्होंने इस पैराग्राफ का व्याख्या किया देख लीजिए। झोपड़ियों में रहने वाले सकरी गलियों में जो चूड़ी बेचने वाले होते हैं प्यारे, वो क्या करते हैं, चार पहियों वाले हाथ वाले गाड़ी में चूड़ियों को उसमें रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने के लिए जाते हैं। आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे। और किस प्रकार से उनकी आंखें चली जाती है, अंधे हो जाते हैं लोग, इस विषय में भी कवित्री ने चर्चा किया। आगे देख लीजिए आगे क्या कह रहा है।
सविता एक युवती एक भारतीय गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग महिला के निकट बैठी है और कांच के टुकड़ों को जोड़ती है, टांका लगाती है। जब उसके हाथ मशीन के चिमटों की भांति यांत्रिकता से के साथ चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। यह एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है जिसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में शुभत्व। एक दिन अचानक उसे मालूम होगा जब उसका सिर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा। किसकी बात है? सविता की बात है। उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और लाल रंग की चूड़ियां उसकी कलाइयों पर सरका दी जाएगी, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी उस वृद्ध औरत के समान जो उसके पास बैठी है, जो कई वर्षों पूर्व ऐसी ही दुल्हन बनी थी। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां है लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक बार भी शेर भर पेट भर खाना नहीं खाया। वह आनंद रहित स्वर में कहती है उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भर पेट भोजन आनंद नहीं उठाया। यही फसल उसने काटी है। उसका पति एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है कहता है मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। मैं इतना ही कर पाऊंगा कि मैंने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। मजदूर जो दो वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर सकता बेचारा क्या कहेगा? यही बात तो कहेगा। तो ये था छठवें पैराग्राफ की अनुवाद। अब देख लीजिए पैराग्राफ नंबर 7वां और यह पैराग्राफ इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है, तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। Hearing him, one wonders if he had achieved what many had failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echoed the lament of their elders. Little had moved up with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their
Fathers our age, tired age, they are, that are endlessly in a spiral that moves from poverty to a path to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct world, one of the family cut in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father to do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a pulse of it in Mukesh, I am charmed. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. तो वर्ड मीनिंग देखिए प्यारे, माइंड नमिंग, दिमाग सुन्न करने वाला, टाइम मेहनत, इनिशिएटिव पहल करना, कोऑपरेटिव सहकारिता, विशेष सकल कुचक्र को कहा जाता है, मिडिलमैन दलाल, ट्रैक्टर फंसा लिया, होल्डर घसीट कर ले जाना, अपैथी उदासीनता, अपैथी मीन्स उदासीनता, वेब वेब मीन्स जाल, स्टिग्मा कलम, बैगेज भार और हार्टनिंग तेजी से दौड़ते हुए। तो इसका अनुवाद भी देख लीजिए, उसी उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है कि क्या उसने वो पा लिया है जो अन्य कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहे हैं। उसके सिर पर एक छत जो है, इंसान को क्या चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए प्यारे, खाने के लिए भोजन चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। तो छठवें पैराग्राफ में क्या कहा था, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, मैं इतना ही कर पाया हूं कि मैंने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। तो यहां पर लेखिका क्या कह रही है,
उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है, क्या उसने वह पा लिया जो अन्य कई लोग असफल रहते हैं। उसके सिर पर एक छत है, चूड़िया बनाने के काम को करते रहने के अलावा कुछ भी अन्य कार्य करने हेतु धन का भाव होने, खाने को भी पर्याप्त पैसा ना होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत में पहल करने की सारी क्षमता तथा स्वप्न देखने की सामर्थ्य को मार दिया है। भावर समझ रहे हो, यदि आप किसी कार्य को कर रहे हो और उस कार्य से आपको दो वक्त की रोटी नहीं मिल सकती, जुगाड़ नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्य को करने से क्या लाभ, ऐसे कवित्री का भावार्थ है। आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते, मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं तथा पूर्वजों को फांस लिया था। अगर हम संगठित भी हो भी जाते हैं तो हमें कि पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा, पीटा जाएगा तथा जेल में डाल दिया जाएगा। किसी गैर कानूनी कार्य को करने के अपराध में वे कहते हैं उन लोगों के बीच कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें भिन्न प्रकार से देखने में मदद कर सके। उनके पिता उतने थके हुए हैं जितने वे स्वयं, वे अंतहीनता के साथ उत्तरोत्तर बोलते चले जाते हैं, गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच तथा न्याय के बारे में। Listening to them, I see two distinct words, one of the family cut in a web of poverty. आज लीजिए, उनकी बातें सुनते हुए मुझे दो दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है, एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी है तथा जन्म की जाति के कलम से दबी है, दूसरी दुनिया है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों तथा राजनेताओं के कुचक्र की दुनिया। दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। एहसास होने से पूर्व ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार किया था। अक्सर बतलाता हूं, राजा का बेटा राजा और प्रजा का बेटा प्रजा, तो जो बीच में बिचौली है, बिचौलियों, उन्होंने क्या किया है, लोगों को अपने चंगुल में, अपने जाल में फांस लिया है, ऐसा लालसा दिया है कि उसको दो वक्त की रोटी और पहनने के लिए वस्त्र के लिए रोजगार प्रदान करेंगे और उसके बदले में लोग कार्य करवाएंगे व्यक्तियों को। यही भावार्थ है प्यारे, एहसास होने से पूर्व ही वह इसे उतना
जितने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार किया था, इसके अलावा कुछ और करना चुनौती देना हो जाएगा, और चुनौती देना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मैं मुकेश में इस बात की क्षणिक चमक देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो उठती हूँ। मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह किसी गैराज में जाएगा और काम सीख लेगा, लेकिन गैराज उसके घर से दूर है। मैं पैदल चल लूंगा। वह जोर देकर कहता है, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह कहता है जमीन की ओर घूमते हुए। उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में एक लज्जा का भाव है जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। वह कारों का स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ती हुई देखता है। मुश्किल से ही कोई वायुमान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो जितना बड़ा चादर नहीं उतना बड़ा पैर कहां फैला सकते हैं लोग। भावर था क्या, ना हाथ में इनकम है और हवाई जहाज चलाने का, उड़ाने का या खरीदने का कल्पना करे या स्वप्न दे तो निथर कर, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस प्रकार से प्यारे यह लेसन भी समाप्त। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एस ए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉकिंग अबाउट से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी करना है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटा छोटा है, पिछले ही कहीं का आया था प्यारे, करेक्टर पूछा था, तो आप लोगों को आना चाहिए। तो नोटेशन बना लेंगे विद्यार्थी और तैयारी भी कर लेंगे। यही अपने वाणी को इस सब्जेक्ट में विराम देता हूँ। नेक्स्ट डे को देखेंगे आगे क्या पढ़ना। ओके।